जय श्री राधे कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो ये देखिए जी, उड़द की दाल लिए एक गिलास और इसको भिगा दिया हमने 4 से 5 घंटे, और बनाएंगे आज बहुत बढ़िया स्पेशल एक ब्रेकफास्ट और नाश्ता या लंच रेसिपी। और देखिए जी, चावल लिए 2 गिलास, इनको भी भिगा दिया था 4 से 5 घंटे। अब इनको हमें मिक्सी में एकदम बारीक पीसेंगे, पानी डाल डालकर, जितना पानी की हमें ज़रूरत होगी उतना पानी डाल लेंगे और इसको पीसेंगे जी बढ़िया तरीके से। तो ये देखिए जी, दाल पीस लिए और इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में, और बिल्कुल देखिए एकदम फाइन हमने पीसी है पानी डाल के। अब इसी में पीस लेंगे चावलों को। तो ये देखिए, चावल भी पीस लिए, आधे चावल बाद में पीसेंगे, तो ये आधे अभी हमने पीस लिए। देखिए पानी डाल के इस तरीके का पेस्ट बना लिया, इसको भी डाल देंगे दाल के अंदर ही। तो देखिए जी, बाकी बचे हुए चावल भी हमने पीस लिए और डाल देंगे इसी के अंदर। तो देखिए जी, अब इसमें कुछ डाल लेते हैं। तो देखिए, 1 चम्मच डालेंगे चीनी इस मटेरियल के अंदर, और 1 चम्मच डालेंगे जी नमक, और क्या करेंगे डालेंगे जी देखिए 1/2 चम्मच इनो, और इसको जो है मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए हमें छोड़ना है। तो चलिए जी, चटनी बनाएंगे सिंपल तरीके से। तो देखिए, पत्ता गोभी के पत्ते लिए 2 से 4, और क्या करेंगे डालेंगे देखिए इसमें खीरा, और 1/2 खीरा मैंने लिया है, इसको कट करके इस तरीके से डाल देंगे इसके अंदर। और जी मूँगफली लिए मैंने ये 2 चम्मच, ये डाल देंगे, और ये रोस्टेड मूँगफली है। और क्या करेंगे जी, डालेंगे हरी मिर्च 1 से 2, ये मैंने काट रखी हैं, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे जी अदरक, और आप अगर लहसुन खाते हैं तो लहसुन भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और जी थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया, और थोड़े से पुदीने के पत्ते, इतने पुदीने के पत्ते डाल देंगे थोड़े से, बिल्कुल 1 चम्मच के आसपास। और जी अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे नमक स्वाद के हिसाब से, नमक और हींग डालेंगे थोड़ी सी, 1 चुटकी, ये डाल दीजिए हींग। और 1 चम्मच डालूंगा मैं इसके अंदर दही, ताकि हमारी चटनी एकदम बढ़िया लाजवाब बनकर तैयार हो। ये डाल दीजिए दही। तो चलिए जी, मिक्सी में पीस लेते हैं इसको बढ़िया एकदम फाइन पेस्ट। तो ये इमली भिगा रखी थी दीजिए, छान के थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, 2 से 3 चम्मच बस, हल्की खटास के लिए। अब बिल्कुल बारीक इसको फाइन पेस्ट पीस लेंगे जी मिक्सी के अंदर। तो चटनी होगी जी रेडी, देखिए एकदम कितनी बढ़िया एकदम पीस के रेडी हुई है। निकाल लेंगे जी एक बर्तन में। तो देखिए जी, तड़का पैन ले लेंगे, एक तड़का बनाएंगे चटनी का। सबसे पहले तो तेल डाल दिया है, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। लाल मिर्ची डाल देंगे साबुत थोड़ी सी, और जी थोड़ी सी डाल देंगे राई के दाने, और 5 से 6 कड़ी पत्ता हैं इनको डाल देंगे, बारीक काट लिए ये मैंने, आप बड़े बड़े भी ऐसे भी डाल सकते हैं। और बढ़िया सा छौंक लगाएंगे जी हमारी चटनी के अंदर, इनको चटकने देंगे देखिए। और ये चटनी जी, ये लग गया छौंक, तो चटनी हो गई हमारी रेडी। तो ये देखिए जी, कुकर ले लिया एक स्टील का, बिल्कुल सुंदर सुशील एकदम साफ सुथरा। और देखिए, अरहर की दाल ली है मैंने 1/2 कटोरी, और इसको अच्छे से भिगो दिया था 1/2 घंटे के लिए, और धुलाई कर लिए जी, डालेंगे कुकर के अंदर। तो अब डालेंगे जी इसके अंदर पानी, और ये डाल दिया जी 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है हमने इसके अंदर, जरूरत पड़ेगी तो बाद में डालेंगे तड़का लगाते समय। और 1 चुटकी डाल देंगे इसके अंदर हींग, और जी डालेंगे नमक, नमक डालेंगे स्वाद से जी। और उसके बाद क्या करेंगे जी, देखिए डालेंगे इसको, सब्जियां ली है मैंने, तो बीन्स है, गाजर है, बैंगन है, तो आप चाहे तो भिंडी, लौकी, जो आपको सब्जी पसंद है सांभर के अंदर आप वो ले सकते हैं। तो इनका पानी कर देंगे पहले तो साइड। तो ये डाल देंगे जी सब्जियां इनके अंदर, और ड्रम स्टिक भी आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और देखिए, एक लिया मैंने बड़े साइज का टमाटर, ये भी लंबा लंबा काटा, इसको डाल देंगे। और डालेंगे जी थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, ये हल्दी पाउडर डाल दीजिए, और इसको लगाएंगे 2 सीटी गैस के ऊपर। तो चलिए जी, तब तक हमारी सांभर उबल रही है, तब तक डोसे के लिए आलू तैयार करेंगे। तो ये पैन ले लिया है, और उबले हुए आलू लिए मैंने ये 3 से 4, इनको बॉईल कर लिया अच्छे से और छील लिया है जी। अब क्या, तेल गर्म हो गया, देखिए करेंगे क्या, डालेंगे थोड़ी सी हींग 1 चुटकी लगभग, 2 से 3 टुकड़े ये लाल मिर्ची के साबुत, और जी थोड़ा सा अदरक डाल देंगे एक बिल्कुल कम, थोड़े से कड़ी पत्ता, और जी राई के दाने 1 चुटकी, और साबुत जीरा डालेंगे 1 चुटकी, और देखिए जी थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन, और ये हो गया जी इसका मसाला। और अब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी 1/2 चम्मच के करीब, हल्दी पाउडर डाल देंगे इसके अंदर, और जी डालेंगे साबुत कश्मीरी लाल मिर्ची 1/2 चम्मच, ये डाल दीजिए। और अब डाल देंगे इसके अंदर आलूओं को,
और मिक्स करेंगे जी अच्छे से, और गैस रखें जी कम। तो देखिए आप डाल देंगे इसमें नमक, और नमक डालेंगे स्वाद से, और इनको फोड़ते रहेंगे साथ के साथ और मिक्स करते रहेंगे और गैस कम रखेंगे। तो देखिए जी आलू अच्छे से मैश भी हो गए हैं और पक भी चुके हैं, बॉयल भी थे ही हमारे तो आसानी से पक गए। हरा धनिया डाल के मिक्स कर लेंगे और मसाला हो गया हमारा रेडी, और गैस करेंगे बंद और आलू ऑफ कर लेंगे जी साइड। तो देखिए जी दाल अच्छे से पक चुकी है हमारी, गल चुकी है, और देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो गई है। और जो अब तड़का लगाएंगे इसी में, और तड़का लगा के फिर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर इसको और कम गैस पे 10-15 मिनट पकने देंगे धीरे धीरे। तो देखिए जी तड़का पैन ले लिया है, तेल डाल दिया है, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल है, आप चाहे कोई भी तेल ले सकते हैं। और देखिए जी अदरक, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, हींग, जीरा और राई, थोड़ा थोड़ा सब कुछ लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर तेल गर्म होने के बाद। तो थोड़ा सा डाल देंगे जी, और गैस कम है देखिए, ध्यान रखें नहीं तो जल जाएंगे मसाले हम। कश्मीरी लाल मिर्ची और थोड़ा सा 1 चम्मच डालेंगे सांभर मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एक बार इस तरीके से मिला लेंगे जी। और इसको डाल देंगे इमली पानी, इसके अंदर डाल देंगे इमलियों का पानी, ये डाल दिया पानी। वाह जी वाह क्या खुशबू आई है। अब गैस करेंगे तेज और तड़का डाल देंगे जी हमारे सांभर के अंदर, ये डाल दिया जी तड़का। वाह जी वाह, तो बाकी इस तरीके से निकाल लेंगे। तो अब डालेंगे जी हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और इसको बॉईल करेंगे अच्छे से 10 से 15 मिनट गैस कम करके। तो देखिए जी हमारा बैटर ले लेंगे अब, और इसके बनाएंगे डोसा बढ़िया एकदम करारे करारे, और ये हो गया बिल्कुल रेडी, 15 से 20 मिनट हो गए इसको। तो चलिए चूल्हे की गैस की तरफ चलते हैं, अब बनाते हैं डोसा गर्मा गर्म। तो देखिए जी तवा ले लिया है, और तवे को करेंगे अच्छे से गर्म, और ये मैं पानी डाल के चेक कर रहा हूँ इसमें छींटे मार के कि कितना गर्म हुआ है नहीं हुआ है। तो इसको और साफ कपड़ा ले लेंगे जी बढ़िया सा एक, उससे इस तरीके से एक बार पूछ लेंगे, और इसमें करेंगे क्या फैलाएंगे हमारा बैटर। तो देखिए जी इस तरीके से करछी के अंदर डालेंगे, और इस तरीके से डाल के इसको फैलाएंगे इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया, ये देखिए जी। और जितना आप मटेरियल ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा फिर आपको फैलाना पड़ेगा। तो मैंने एक ही करछी डाला है अभी, आप अगर बड़ा बर्तन है तो बड़ी करछी है तो आप उस हिसाब से थोड़ा साइज और बड़ा हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से देखिए ऊपर से डालेंगे थोड़ा तेल, और गैस कर देंगे इस समय पर तेज, और डोसा जब हम डालते हैं बैटर तो उस टाइम पर गैस करेंगे हमें कम रखनी है, और जब सेकना है तो इसको हमें तेज करना है। और जी अभी इसको अच्छे से पकने देंगे, करारा होने देंगे। तो देखिए जी अपने आप जो है पकता जा रहा है, और साइडों को छोड़ते जा रहा है डोसा, और पीछे की साइड देख लेंगे तो ये देखिए कितना अच्छा इसमें शेप आया है। और इस तरीके से अगर आप दोनों साइड से सेकना चाहें तो सेक सकते हैं, नहीं तो एक साइड से करारा होने देंगे इसको। तो ये देखिए जी करारा हो गया बिल्कुल। अब क्या करेंगे इसके अंदर भर लेंगे यहाँ आलू, और फिर आलू अपने आप हिसाब से भरें, कम ज़्यादा जितना आपको पसंद है उस तरीके से आप आलू ले लें। और ये देखिए जी इस तरीके से रख के, और इसको कर लेंगे यहाँ से फोल्ड। और वाह जी वाह करारा करारा डोसा हो गया जी रेडी, मसाला डोसा। और इसी तरीके से दूसरों को बनाते हैं। तो आइए जी एक बार जो कटोरी से वो लोग बनाते हैं एकदम बड़े बर्तन में बड़े तवे पे, वो भी ट्राई करते हैं। तो देखिए इस कटोरी में ले लिया है, और इसको डालेंगे इस तरीके से, और फटाक से इस तरीके से वो लोग करते हैं ना, हल्के हाथों से इस कटोरी को ऐसे घुमाते जाएंगे और इसको फैलाते जाएंगे जी। तो ये देखिए जी इस तरीके से बड़ा डोसा बनाना है, तो 2 करछी लिया है बैटर हमने, और इस तरीके से फैला देंगे। देखिए कितने अच्छे बबल्स इसके अंदर आ रहे हैं, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल देंगे ऊपर से तेल, ताकि अच्छे से भी नीचे से एकदम क्रिस्पी हमारा बन के तैयार हो। तो देखिए जी आलू रख देंगे इस तरीके से, और फोल्ड करेंगे इसको बढ़िया अभी एकदम बराबर। तो इस तरीके से देखिए इस तरीके से उठा लेंगे, और ऐसे आराम से इसको फोल्ड करते जाएंगे, दबाते जाएंगे। तो ये देखिए कितना करारा और एकदम सिक्कर बिल्कुल बढ़िया एकदम परफेक्ट डोसा रेडी हो गया है। तो देखिए जी गर्मा गर्म सांभर
और मूंगफली की चटनी कितने सिंपल तरीके से बनाई है मैंने। और डोसा देखिए, मसाला डोसा एकदम रेडी है जी। आइए गरम गरम खाइए, और आप लोग भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको बहुत पसंद आने वाली है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से, देखिए कोई झंझट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे, देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप भी आसानी से घर पे बाजार जैसे होटल जैसे एकदम करारे डोसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो बाकी सब खाइए पीजिए, मस्त रहिए जी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी जय श्री राधे कृष्णा।